इन फूलों की जितनी तारीफ की जाए कम है। माशाल्लाह फुल लश वाइट हो रहे हैं। सो गाइस ये है यहाँ की घोड़ा सवारी, चेक करें आप। सो गाइस ये जो एरिया है अभी ये अलहेल का एरिया, मेरा पुराना एरिया काफी, सबसे पहले ओमान में इधर आया था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप लोग ठीक होंगे। और आज है जुम्मे का दिन और दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, एक पार्क है, अच्छा रसेल पार्क में मैं जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा पार्क है, मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो सोचा कि आज रसेल पार्क की वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। और काफ़ी वहाँ लोग आते हैं, रश होती है। आज तो फ्राइडे का दिन है तो और भी ज़्यादा रश होगी। और हमारे कुछ दोस्त वगैरह वहाँ पर हैं जो कि वो टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास भी मैं जा रहा हूँ, वो भी उधर वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो उनसे मिलेंगे और आपको मैं पार्क वगैरह भी दिखाऊंगा और किस तरीके का वो बना हुआ है, क्या क्या वहाँ चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलते हैं रसेल पार्क में। फ़िलहाल अभी मैं हूँ रास्ते में, बस 5-10 मिनट में हम पहुँचने वाले, क्योंकि ज़्यादा तो दूर है ही नहीं मेरे घर से, कोई तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव है। तो मैं आपको जब तक रोड दिखाता हूँ, रोड इन्जॉय करें। वैसे ये जो एरिया है अभी ये अलहेल का एरिया, मेरा पुराना एरिया काफ़ी, सबसे पहले ओमान में मैं इधर आया था। तो यहाँ पर मैं आया हूँ पैसे निकालने के लिए बैंक में, चलते थोड़ा एटीएम में वो थोड़ा कैश निकालते हैं, क्योंकि कैश की जरूरत पड़ सकती है। सो लेट्स गो टू द बैंक सामने। तो गाइस पैसे भी हमने निकालनी है और अभी चलते हैं पार्क में, क्योंकि उनका फ़ोन आया अभी दोस्त का, अकेला मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो मैंने बोला बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, पहुँच के फिर वहाँ पर ये थोड़ी बहुत टिकटॉक वगैरह बनाएंगे। मेरे को इतना शौक़ नहीं है, बट ये दोस्त वगैरह बनाते तो मैं उनके साथ बना लेता हूँ, आप लोग देखते ही हो, मैं अपलोड भी कर देता हूँ। तो आज भी है कि 2-3 टिकटॉक वगैरह बनाएंगे और आपको पार्क वगैरह दिखाते हैं और फिर वीडियो करेंगे ख़त्म। लेकिन ये है कि पार्क बहुत अच्छा है, होप आप लोग को पसंद आएगा। तो बस हम पहुंचने वाले पार्क में। गाइस ये है रसेल पार्क। मेरी गाड़ी का शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है, आप लोग को सही दिखेगा नहीं शायद, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्क है। आप देखें यहाँ से शुरू हो गया ये और वो दूर तक है सामने, ये रसेल राउंड अबाउट है। और ये आगे देखें पार्क सामने, शायद धूप भी पड़ रही है थोड़ा, शीशा ही मेरा गंदा सही साफ नजर नहीं आएगा। तो बस हम पहुँच गए पार्किंग में, जाते पहले गाड़ी पार्क करते हैं और हम चलेंगे अंदर तक। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं पार्क में रसेल में, और चाय हमने भी ली है और साथ में मेरे अबरार भाई हैं। अबरार भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। और आप कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं? हमारे भाई है सागर। हाँ सागर भाई पीछे भी सीखने चल रहे, शर्मा रहे हैं हमसे। सागर भाई हमारे बहुत बढ़िया कैमरा। हाँ कैमरा वैमरा मैन है जो वीडियो है ना यही बनाते हैं हमारे। जी जी जी। तो अभी रसेल पार्क में भी आए हम, तो अभी थोड़ा वीडियो शूटिंग बनाते हैं जी, और इनको दिखाती भी है कि थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हैं। जरूर जरूर वही ना। तो गाइस ये रसेल पार्क है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ से इसको एक्सप्लोर करवाता हूँ अंदर क्या क्या आइटम है और फिर आगे चलते हैं। तो गाइस ये है रसेल पार्क, मैंने आपको इसकी एंट्री नहीं दिखाई क्योंकि हम इंटर हुए हैं कोई पिछले वाले गेट से शॉर्टकट में, क्योंकि रश रात के यहाँ ज़्यादा होती है। तो ये रसेल पार्क है, काफ़ी यहाँ लोग आते हैं। और अभी हम तो रश वाली जगह पे नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, क्योंकि हमें वीडियो शूटिंग बनानी है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं ग्रीनरी ग्रासिंग कितनी प्यारी इन्होंने कटिंग की है, और ये आप फूल देखें। अबरार भी फूल हो गया नाम है पता, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। हाँ आप देख रहे हैं कितने धूप के अंदर इन्होंने मतलब मेंटेन किया हुआ इसको, यार आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है कि कितनी खूबसूरत फूल लगाना, डेकोरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। और पूरे कितना बड़ा पार्क ही वो सब जगह पे काफी बड़ा पार्क है। और ये दूसरा क्या है कि एक ओमान के बीच में बना हुआ है, ये सेंटर है, गूगल मैप पे देखेंगे तो ये दिल के शेप में बना हुआ है। हाँ सही, बहुत खूबसूरत दिखता है जो बात है ना। तो गाइस ये है पार्क और बहुत अंदर डिजाइन वगैरह भी बने हुए हैं काफी। तो अभी चलते हैं आगे आपको और दिखाते हैं। और सामने आप देखेंगे हॉर्स, यहाँ पर घोड़े वगैरह भी हैं, लोग यहाँ बैठे हैं। सो गाइस ये लोकेशन चेक करें हैं, माशाल्लाह इतना खूबसूरत और ग्रीन और वेल मेंटेन पार्क है। यहाँ पर खजूर के दरख्त वगैरह भी हैं और ये थोड़ा हम सेंटर में आ गए, और ग्रासिंग आप माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी हुई हुई है।
ऐसे इन फूलों की जितनी तारीफ की जाए कम है। माशाल्लाह फुल लश वाइट हो रहे हैं ये। वीडियोस बनाना हमने शुरू कर दी है और आप ये व्यू चेक करें। और ये लोग जो हैं ये देखें सामने, ये टिकटॉक वगैरह बन रही है, पॉलिशन इन्होंने ली है अभी, मैंने भी एक बना लिया अपनी। सो ये क्या अभी पार्क के चलेंगे आगे और आपको दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ चीज़ें हैं सामने। ये चेक करें, ये सीटिंग एरिया वगैरह है सामने, ये भी बैठा, ये भी बना हुआ है सामने सीटिंग एरिया। और ये आप माशाल्लाह डिज़ाइनिंग चेक करें इनकी, कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है। इसी चीज़ के तो यहाँ पर पैसे हैं, इसी चीज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं। और पूरी ओवरऑल पार्क के अंदर डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत है और क्लीन बहुत है, नीट एंड क्लीन है। आपको ओमान में हर पार्क, छोटे छोटे पार्क जो होते हैं, वो सब आपको कहना क्लीन मिलेंगे। और ये देखिए यार कितना अच्छा इन्होंने एक वॉकिंग रोड बनाया हुआ है यहाँ पर, और पूरे पार्क के अंदर ऐसे ही आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी चीज़ें, क्लीन बहुत है बस। और यहाँ पर टिकटॉक भी बन रही है जब तक हम थोड़ा अपना ब्लॉग शूट करते हैं यहाँ पर। ये चेक करें आप, माशाल्लाह कितने फूल से लाइन से। गाइस ये भी इसका एक सेंटर व्यू, आप चेक करें। अभी ये हो गई हमें रात, क्योंकि हमने इतनी वीडियोस बना ली है तो हमें रात हो गई थी। तो अभी चेक करेंगे वाला व्यू। सामने जो है ये एक छोटा सा म्यूज़ियम वगैरह है जो भी बंद हुआ हुआ फ़िलहाल। और इसके जो अराउंड जो है चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पर बैठने की जगह भी है, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है रसेल पार्क। और इसमें एक स्विमिंग पूल, मतलब जैसे वो पानी फाउंटेन वगैरह भी होता है, वो बंद है अभी। और अभी ओवरऑल व्यू देखें सामने, अभी रश हुई भी है काफ़ी, लोग आए हुए हैं। हम थोड़ा पीछे की तरफ हैं, अब जा रहा हूँ मैं सामने की तरफ और वहीं से हम निकल जाएंगे बाहर। तो गाइस ये है यहाँ की घोड़ा सवारी, चेक करें आप। पार्क का व्यू देखें रात में, कितना खूबसूरत लग रहा है पार्क, दरख्त वगैरह के साथ लाइटिंग भी बड़ी अच्छी की हुई है। और फूल तो भाई एक नंबर है यहाँ पर, फूल की तो कोई मिसाल ही नहीं है ना कि किस तरह इन्होंने लगाए हुए हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं फूल ये। और अभी मैं जा रहा हूँ इधर सामने, चेक करते हैं वहाँ जाके। गाइस कितने प्यारे यहाँ झूले लगे हुए हैं और कितने अच्छे यहाँ पर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और रश यहाँ चेक करें, बच्चों का शोर भी यहाँ बहुत हो रहा है और डिज़ाइन बड़े अच्छा किया है। मैं देखें झूलों का काफ़ी रश है इधर, फुल तरीके से यहाँ बच्चे आए हुए और इन्होंने एक अलग दिन टाइप बनाया हुआ है झूलों का, और बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ रश भी ज़्यादा है। और हम जा रहे हैं अभी बाहर की तरफ, रश चेक करेंगे ऐसे यहाँ पर। तो गाइस ये है इसकी मेन एंट्रेंस, और यहाँ से लोग ज़्यादातर आते हैं और यहाँ पर रश भी काफ़ी हुई थी, आप चेक करें। और मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ से बाहर और व्लॉग को करूँगा एंड। तो अभी एंड व्लॉग करते हैं। जो ये थोड़े भुट्टे वाले और बच्चों की चीज़ वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, जाते हैं थोड़ा टी टाइम पे और चाय वगैरह पीते हैं यहाँ से, फिर वो निकलेंगे फिर यहाँ से हम लोग। सो गाइस अब मैं व्लॉग को करूँगा एंड, उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये पार्क, बहुत अच्छा लगा। साथ में इब्रार भी मेरे खड़े हैं, इब्रार भी कुछ कहना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, सभी लोगों से गुजारिश है जितने भी मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। थैंक यू सो मच इब्रार भाई, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।